डियर फ्रेंड्स, जेई एडवांस 2023 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 7 है, पैराबोला का। इसको हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ax, वेर ए ग्रेटर देन 0, द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट पी मिट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू वेर एफ इज द फोकस ऑफ द पैराबोला इज 120। यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एफ क्यू, इसमें एफ फोकस है, 120 है, और एम स्लोप ऑफ द नॉर्मल एंड ए बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द पेयर ए कॉमा एम इज। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला लाइन आपको ध्यान से समझना है, एम एंड ए बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है ये जो एम और ए है ये दोनों ग्रेटर देन जीरो है और बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करिए, पैराबोला ड्रॉ करेंगे हम लोग। पैराबोला राइटवर्ड और राइट की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ax, इसमें ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो कुछ इस तरह का पैराबोला हो जाएगा आपके पास में, यहां पर कहीं ना कहीं फोकस होगा एफ ए कॉमा जीरो, और यहां से अगर पी पॉइंट से कोई इस तरह से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें, और ये जो पी पॉइंट है यहां पर में ये टेंजेंट हो जाएगा, और ये नॉर्मल, ये पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट पर जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ट्राइंगल इस तरह का बन जाएगा पी एफ क्यू, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी एफ क्यू, इसका एरिया कितने के बराबर दिया हुआ है, 120 के बराबर दिया हुआ है। तो अपने लोग पी पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं पैरामेट्रिक में ए टी स्क्वायर कॉमा 2 ए टी। तो पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, पी पॉइंट पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहां से जो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, ये पी पॉइंट जो ए टी स्क्वायर कॉमा 2 ए टी, यहां पर इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितने के बराबर होगा, 1/t। तो जो आपके पास में नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल पी क्यू, इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1, तो इसका स्लोप -t। इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर हो रहा है, -1 के बराबर हो रहा है। अब अगर पी क्यू का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें पी क्यू का इक्वेशन वाई माइनस 2 ए टी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू -t। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, ये एम क्या है, नॉर्मल का स्लोप, और वो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब -t, ये जो -t है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यहां से जो t का वैल्यू आएगा दैट विल बी लेस देन जीरो। तो यहां से हमारे पास में ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, इसमें q पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट को कितना कर देंगे, जीरो। यानी y का वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू में कितना आ जाएगा, ये -t कैंसिल, यहाँ 2a बचेगा और x इक्वल टू हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2a। यानी ये जो q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 2a कॉमा 0, और f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा 0। तो ये आपके पास में जो क्यू एफ लेंथ हो जाएगा, क्यू एफ का लेंथ हो जाएगा इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दिस माइनस दिस, तो यहां पर में आ जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस ए का मॉड। और ये ट्राइंगल में अगर ये वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे पी एम, पी एम इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्यू पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये कितने के बराबर है, 2 ए टी। तो अपने लोगों को एरिया निकालना है, लेंथ लेना है, ये पॉजिटिव यानी मॉड लगा दिया। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ है। लेंथ हमेशा आपको पॉजिटिव में ही काउंट करना पड़ेगा। तो एरिया जो ट्राइंगल होगा पी एफ, पी एफ क्यू, ये हाफ इंटू दिस, इंटू दिस परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए इंटू मॉड ऑफ 2 ए टी, और ये कितने के बराबर हो रहा है, 1 2 0। तो यहां से आपके पास में, यहां से आपको ये मिल जाएगा
यहाँ से आपको यहाँ से ए टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक ए मॉड ए और यहाँ मॉड ए कितने के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ टी इंटू मॉड ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर, और 120 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 4 इंटू 3। यहां से ध्यान से देखो टी स्क्वायर का वैल्यू कितने के, ये वाला 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा और ए स्क्वायर इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ टी इक्वल टू 3। तो चूंकि इंटीजर है, सब इंटीजर है, इसलिए ये इक्वेशन हम लोग ने सेट किया। तो यहां पर मैं आपको ए स्क्वायर का वैल्यू कितने के मिल गया 4, और ए ग्रेटर देन 0 तो ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, ए इक्वल टू 2, ए का आंसर हो जाएगा 2। और दूसरा मॉड ऑफ टी इक्वल टू 3, मॉड ऑफ टी इक्वल टू 3, और टी का वैल्यू नेगेटिव है, टी नेगेटिव है ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग देखा हुआ है, तो टी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा -3। और जो एम दिया हुआ है स्लोप, एम स्लोप है नॉर्मल का, वो माइनस टी के बराबर है, वो कितने के बराबर आ जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 2 एम इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 2 एम इक्वल टू 3। तो जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहां पर में ए इक्वल टू 2 एम इक्वल टू 3, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दिस ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।